मेरा नाम डॉक्टर विकार हुसैन काजी है। आज मैं थोड़ा सा आपको डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में बताता हूँ, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर हमारे इंडियन सेटअप में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये कैसे होता है और इसके जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है, यानी हमें क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए, उसके बारे में मैं आज कुछ बातें बताऊँगा। सबसे पहले जो ये डायबिटीज़ मेलिटस जो है, ये होती कैसी है और ये कितने प्रकार की होती है। हम उसको टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के नाम से जानते हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, जो बचपन से ही जिसमें इंसुलिन की कमी होती है और जो कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसके जो एक ऑर्गन होता है जहाँ पे इंसुलिन बनता है, जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, उस पैनक्रियास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं, वो उसी बीटा सेल्स के अगेंस्ट बॉडी के अंदर कुछ ऑटोइम्यूनिटी की वजह से कुछ एंटीबॉडीज ऐसी बन जाती हैं जो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं बीटा सेल्स के सारे स्टोर्स को, जिसकी वजह से इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन पाती और इसी इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड शुगर जो होती है वो बंदे की कंट्रोल में नहीं रहती। और सिर्फ एक ही किस्म का इलाज होता है कि इंसुलिन का बदला इंसुलिन। एपिडेमिक की फॉर्म, एपिडेमिक की उसने जो एक शक्ल तैयार करी है वो टाइप 2 डायबिटीज है। जो टाइप 2 डायबिटीज का रिलेशन, पहले इसको हम कहते थे डिजीजेज ऑफ किंग्स, जो ऐसे लोग कोई काम काज नहीं करते, बिल्कुल बैठे रहते हैं, उनको ये बीमारी जो थी ज्यादा असर करती थी। बट अब आजकल देखा गया है कि ये काफी हद तक जो है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि बंदा का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और जो जो वजन, जितना जितना वजन बढ़ता है उतना ही जो है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस होने के ज्यादा हो जाते हैं। बंदे की ब्लड शुगर जो है वो 100 से ऊपर होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं, जिसमें शुगर की मात्रा 100 से 125 के बीच में रहती है और बाद में इसको भी पार कर जाती है, 125 से ज्यादा हो जाती है, जिसको हम फ्रैंक डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि हमें डायबिटीज वाले मरीज को क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जैसे हमारी इंडियन डाइट में, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर हम चावल और फुलके खाते हैं। चावल होते हैं, वाइट राइस होता है, और जो फुलके होते हैं वो हम बनाते हैं व्हीट से। इसके बदले अगर हम वाइट राइस को हम अवॉइड अगर करें और अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट को, जो ये हमारा व्हीट है, गंदम है, इसके बदले में अगर हम बार्ले का इस्तेमाल करें तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा काम देखा गया है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ये मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ खाओ और कितनी देरी में, कितने टाइम के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, तो उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। सुबह वेजिटेबल अगर वो खाना चाहें तो गोभी की सलाद ले सकते हैं, कैबेज की सलाद ले सकते हैं, ओनियन, इनकी सलाद बना के खा सकते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा गया है बहुत कम है और इनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इससे ब्लड शुगर की लेवल जो है वो एकदम से ब्लड में नहीं बढ़ती। फिर ऐसे ही ब्रेकफास्ट के बाद जब लंच पे आए तो लंच पे भी कोशिश करें कि खाना खाने से पहले, चपाती खाने से पहले या वाइट राइस खाने से पहले वो सलाद खाएं। सलाद में जो है वो फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप पपीता यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं, तो ये मेन चीज़ें हैं। बट चीकू, केला, आम, ये तीन फ्रूट्स हैं जो आप बिल्कुल आपको अवॉइड करने चाहिए। और दही का अगर हम इस्तेमाल करें, इसमें प्रोबायोटिक होता है जो कि हमारे अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमें खुश रखता है। तो नॉन वेजिटेरियंस है या वेजिटेरियंस है वो अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा गया है कि जो एलमंड्स होते हैं या कैश्यू होते हैं या वॉलनट्स होते हैं, उसमें भी बड़ी अच्छी है, बड़ी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, जिसकी वजह से हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी का वो बढ़ता है, वो पेशेंट जिनको डायबिटीज की शिकायत हो। तो इन शॉर्ट जो मैंने आपको अभी थोड़ी सी चीज़ें बताई, आई होप कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इन टैकलिंग योर डायबिटीज इन योर डे टू डे लाइफ। थैंक यू वेरी मच।